नमस्ते नागपुर, मैं निकुंज और आप सभी दर्शकों का नागपुरिंफो में आज एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ में मौजूद है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बेहतरीन मॉडल, बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस। इनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप पलके झुकाते हो तो मेरा दिल यही कहता है कि जिस खुदा ने आपको बनाया है वो आपको इस धरती पर बेच कर कैसे जी पाया है। जी हाँ, मेरे साथ में मौजूद है निकिता शर्मा जी, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। मैं नागपुर में आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। थैंक यू। आज आप नागपुर आए हो और आपने राइस होने के महाकर्म सुना है और आपने महाकर्म भी किया था, कैसा इंजॉय किया है? कैसा ये मेरा पहला गरबा नाइट था और मुझे बहुत मजा आया। आई थिंक कुछ 40-45 मिनट्स मैंने गरबा किया है कंटिन्यूसली, लेकिन इतनी एनर्जी थी लोगों में, इतना कलरफुल था और जो सिखा रहे थे वो इतने अच्छे से सिखा रहे थे, आसपास लोग इतने जोर से कर रहे थे कि मेरा भी मन था कि मैं डांस करूँ। सो मैं अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती। मैंने बहुत दिल से गरबा किया है और मुझे बहुत मज़ा आया। बचपन से कहते हैं ना, खुद के बाद बचपन से ही पता चल जाते हैं। मुझे बचपन से बड़ा शौक था अपने आपको शीशे के सामने देखने के लिए, यू नो, जैसे बच्चा से दिखाते ना मैं तो हीरोइन हूँ। और 9th क्लास में एक टीचर ने पूछा कि ना चार्ट लगा आप अपने एम्स लिखते आप क्या क्या करोगे, तो मैं वहाँ जाके लिखती थी हीरोइन। उससे सब कहते थे इससे कुछ नहीं बनता है, एसी में मैंने कुछ नहीं करेंगे तो पापा का बिजनेस तो है ही ना। सो तो मेरा दिल्ली वाला था। मेरी एक फ्रेंड थी जो मॉडलिंग एजेंसी में काम करती थी, उससे मुझे कॉल किया कि ना ऐसे ऐसे मीटिंग मेरा मॉडल काम में जॉइन अस। मैंने ऐसे मजे में कुछ नहीं कहा, वाह यार जाओ मेकअप कराओ, हेयर कराओ, फोटो खिंचाओ, जिसको तुम्हें पैसे दे रहे हैं, इट्स सो ईजी। ऐसे करते करते मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, फिर पैजेंट से कॉल आया, इंडियन प्रिंसेस पैजेंट। घर वालों ने मना करते हैं जिंदगी में कभी कोई मुंबई क्या मतलब घर के बाहर तक नहीं गया तो कहाँ जाऊँगी, कहते ना फिर भी तो बचपन से ही थी मेरे पापा प्लीज हाँ मतलब जिंदगी में एक बार ये चीज़ कर ले तो उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगी टाइम्स। सो मैं वहाँ गई और वो इंसिडेंट भी वो पाँच में जीत गई, उसके थ्रू बस बॉम्बे ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और मेरी लाइफ शुरू की। तो जैसे आपने बताया कि आपके बॉम्बे ने आपको मना कर दिया था जाने से, आप ये बात को कितना सच मानते हो कि एक्ट्रेस की लाइफ में फैमिली का रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है? उन्होंने मना इसलिए किया था क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं था मेरी जान पहचान का, लेकिन मेरी मम्मी इस चीज़ को बहुत ही क्योंकि बेटी हीरोइन है, लाइक ऐसा नहीं था कि बड़ी गलती है, दे लव एंड देयर आर स्टार। तो मेरी मॉम का तो सबसे बड़ा रोल रहा और डैड ने मेरा फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया कि मुंबई बाकी शहरों से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी है, बहुत खर्चा है। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया और बहुत इमोशनली सपोर्ट किया क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट है, वहाँ लाइफ बहुत फास्ट है, क्योंकि फैमिली मेरी बड़ी बहन मेरे साथ रहती है अब्दुल्ला। तो इनकी वजह से आज जो मैं हूँ सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि कभी आप काम कर रहे हो कभी आप काम नहीं कर रहे हो, तो आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको संभालते हैं, गाइड करते हैं। आई एम टोटली ब्लेस्ड टू हैव फैमिली लाइक दिस। मुझे दोस्तों की ज़रूरत ही नहीं है मेरा परिवार। फिलहाल मैं कर रही हूँ कलर्स का महाकाली, जो इस टाइम पे हाँ महाकाली एंड प्लेस लक्ष्मी डैड, तो बिल्कुल अच्छा रोल मिला है मुझे लक्ष्मी का क्योंकि मैं उनकी तरह बिल्कुल चंचल हूँ और उनकी तरह स्वभाव है थोड़ा सा मेरा, तो एंड प्लेस लक्ष्मी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग आने वाली है कमिंग ईयर में, पर फिलहाल तो आप मुझे लक्ष्मी के लिए देखोगे महाकाली में, तो भी पूजा करते रहो कभी दर्शन दे दूँगी। मैं कहना चाहूँगी कि ये मेरा सेकेंड विजिट है नागपुर में, मैं पिछले महीने महाकाल के प्रमोशन के लाई थी। मुझे यहाँ के इतना मज़ा आता है कि इतनी लाइवली एनर्जेटिक सिटी है, लोग बहुत वार्म हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, एक अपनापन से इस क्षेत्र में ऐसा नहीं लगता कि बाहर आ गए, अच्छा बहुत एटीट्यूड है, सब बहुत वार्म है यहाँ पे एंड बहुत मज़ा आता है। आज के लिए इतना ही, अगले बार फिर मिलेंगे कुछ नए सेलिब्रिटीज़ के साथ, नए बातों के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग नागपुर इनको, लिव ग्रीन लव ग्रीन थिंक ग्रीन। थैंक यू।